रहा होंगे पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी रविंद्र चंद्रन समेत 6 दोषियों को रिहाई का दिया आदेश। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अपर्णा यादव के साथ कई नामों पर हो रही है चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रेम सिंह शाक, रघुराज सिंह शाक और ममतेश शाक भी रेस में शामिल। आज वाराणसी के दौरे पर है सीएम योगी। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ के किए दर्शन, विधि विधान से की भोले की पूजा। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक और फैसला, सभी मंडलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन यानी एसीओ का होगा गठन। 8 नई यूनिटों के गठन के प्रस्ताव को सीएम योगी ने दी हरी झंडी। जान वापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत में चली सुनवाई, 5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की थी सर्वे को पूरा करने की। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरठ में बीएसपी नेता याकूब कुरैशी पर पुलिस की कार्रवाई, परिवार के 4 सदस्य समेत 7 लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज। गैंगस्टर के मुकदमे में याकूब की पत्नी और बेटों के नाम दर्ज। गैंग बनाकर अवैध तरीके से मीट कारोबार करने का आरोप। प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के मददगारों पर भी ईडी का कसेगा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा। प्रयागराज में टायर व्यापारी चांद बाबू के घर पर ईडी की छापेमारी, 12 घंटे तक चली पूछताछ। आय से अधिक संपत्ति का मामला, माफिया मुख्तार से भी कनेक्शन की आशंका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आश्रित कोटे से नियुक्ति मामले में याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने देखरेख नहीं करने पर नियुक्ति वापस लेने को कहा। नियुक्ति के समय महिला ने देखरेख का दिया था आश्वासन। कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी पर दबिश जारी। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर भी दबिश। लखनऊ कानपुर समेत 10 ठिकानों पर पुलिस की दबिश। मैनपुरी उपचुनाव में हो सकती है माफिया अतीक की एंट्री। अतीक अहमद की पत्नी लड़ सकती है उपचुनाव, AIMIM बना सकती है शायस्ता परवीन को प्रत्याशी। अलीगढ़ में हिंदू लड़की के संग छेड़छाड़ का मामला, दूसरे समुदाय के युवक पर छेड़छाड़ का आरोप। छेड़छाड़ का विरोध करने पर जूते से मारने का भी आरोप। अमरोहा में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई झोपड़ी में आग, घर में अकेले सो रही अधेड़ महिला की हुई जलकर मौत। दोषियों को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की कही गई बात। बरेली के टांडा सिकंदरापुर गांव में किसान की हत्या, ट्रैक्टर से कुचल कर किसान को उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग, कार में धुआं देखकर बाहर निकला चालक, शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने का अंदेशा। बहराइच के बेडनापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आई 2.5 साल की बच्ची, अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची की हुई मौत। बागपत के ओयो होटल में छापा पड़ते ही मची भगदड़, चंद मिनटों में भाग निकले प्रेमी जोड़े। बाराबंकी में तालाब के पास दिखा 10 फीट लंबा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। झांसी में बाइक सवार युवक ने युवती से किया रेप, लिफ्ट देने के बहाने युवती को जंगल में ले गया था युवक। जौनपुर में जमीनी विवाद में पड़े 2 पक्ष, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। कानपुर में जहरीली गैस की चपेट में आकर 3 की मौत, सेप्टिक टैंक में उतरे 3 मजदूरों की हुई मौत। जाजमऊ स्थित शालीमार टेनरी का मामला, टेनरी के लोग हैलेट अस्पताल में शव छोड़कर फरार। कासगंज में प्राइमरी स्कूल की कक्षा 4th की बच्ची ने 30 सेकंड में बताया यूपी के 75 जिलों के नाम, फर्राटा गर्ल का वीडियो वायरल। सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी को लेकर दर्जन भर दुकानों पर छापेमारी, जिला कृषि अधिकारी की अगुवाई में कार्रवाई। फरुखाबाद में डर में जी रहे अपराधी, दर्जन भर आरोपी तख्ती पकड़कर पहुंचे एसपी ऑफिस। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।